गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। आज हम इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 7 सिंपल सिमोन, जो कि एक पोएम है, उसको रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेसन। सिंपल सिमोन मीट ए पीमैन। इस पोएम में एक सिंपल सिमोन, साधारण लड़की है जिसका नाम सिमोन है, वो एक दिन पीमैन से मिलती है। गोइंग टू द फेयर, जो कि मेले में जा रहा होता है, फेयर बोलते हैं मेले को। नेक्स्ट, सैड सिंपल सिमोन टू द पीमैन। फिर सिमोन जो है समोसे वाले को बोलती है कि लेट मी टेस्ट योर वार, कि तुम मुझे अपने समोसे खाने का मौका दो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे समोसे कैसे हैं। सेड द पीमैन टू द सिंपल सिमोन। फिर समोसे वाला पीमैन है जो सिमोन को बोलता है कि शो मी फर्स्ट यूअर पेनी, तुम सबसे पहले मुझे अपने पैसे दिखाओ। सैड सिंपल सिमोन टू दी पीमैन। फिर साधारण लड़की सिमोन है जो वो पीमैन यानी कि समोसे वाले को बोलती है इंडीड आई हैव नॉट एनी, यानी कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इसमें एक सिमोन साधारण लड़की है, पीमैन एक समोसे वाला है जो कि मेले में जा रहा होता है, उसको सिमोन लड़की जो है वो मिलती है और उसको बोलती है कि तुम मुझे अपने समोसे टेस्ट करवाओ, मैं बताऊंगी कि वो कैसे हैं, परीक्षण करके यानी कि चेक करके बताऊंगी कि कैसे हैं। फिर पीमैन है जो सिमोन को बोलता है कि तुम सबसे पहले मेरे को पैसे दिखाओ। सिमोन बोलती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अब हम सबसे पहले इस लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड लिखेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड, पीमैन फर्स्ट, सेकंड इज टेस्ट, सिंपल, फोर्थ शो, फाइव इंडीड, ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। पीमैन यानी कि समोसे वाला, टेस्ट स्वाद चखना, सिंपल साधारण, शो दिखाना, इंडीड कुछ भी नहीं मतलब। अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग। वर्ड WORD, वर्ड मीनिंग। द फर्स्ट इज फेयर, मेला। सेकंड वार, मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट इज पेनी, पैसे। नेक्स्ट इज सिंपल, साधारण। नेक्स्ट इज टेस्ट, आंसर इज स्वाद। ये हैं हमारे चैप्टर 7 के वर्ड मीनिंग। अब
हम क्वेश्चन अब करेंगे बुक एक्सरसाइज। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 29 एंड लुक एट द बुक एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपके बुक में आपको फिल अप दिए गए हुए हैं, ये आपको फिल करने हैं विद द हेल्प ऑफ बॉक्स। आपको बॉक्स में जो है हिंट दी गई हुई है जिसको जिसकी हेल्प से आप इसको फिल कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंपल सिमोन मीट ए डैश, यानी कि सिंपल सिमोन मीट ए, सिंपल सिमोन थी वो जो किससे मिली थी सबसे पहले, ए पी मैन, यानी कि समोसे वाले से। सेकंड इज सिंपल सिमोन वाज गोइंग टू, सिंपल सिमोन जो लड़की थी वो कहाँ जा रही थी, फेयर यानी कि मेले में। द फिलअप इज फेयर। नेक्स्ट इज सिंपल सिमोन वांटेड टू टेस्ट द डैश, सिंपल सिमोन थी वो जो क्या खाना चाहती थी, जो पीमैन था समोसे वाला था उसके समोसे खाना चाहती थी उसके दिए हुए बर्तनों में, तो वार, बिकॉज मीनिंग ऑफ वार इज मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट इज फोर पीमैन आस्क्ड सिमोन टू शो डैश, यानी कि पीमैन समोसे वाले ने सिमोन से क्या पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, क्या है वो मुझे दिखाओ, यानी कि उसने किसके बारे में पूछा, पैसे के बारे में। यानी कि पीमैन जो है सिमोन से पूछ रहा था कि तुम सबसे पहले मुझे पैसे दिखाओ। नेक्स्ट इज सिंपल सिमोन डिड डैश हैव मनी, यानी के सिंपल सिमोन थी, फिर उसने क्या कहा पीमैन को कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, डिड नॉट हैव मनी, यानी कि सिमोन के पास कोई पैसा नहीं था। एंड लुक एट योर बुक क्वेश्चन नंबर बी। आपका क्वेश्चन नंबर बी क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फॉलोइंग क्वेश्चंस
यानी कि आपको बुक में क्वेश्चन आंसर दिए गए हुए, आपको उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हुम डिड सिंपल सिमोन मीट। आपका क्वेश्चन है कि सिंपल सिमोन है वो किससे मिली थी। द आंसर सिंपल सिमोन मीट ए पीमैन, यानी कि सिमोन थी जो एक समोसे वाले से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड सिंपल सिमोन वॉन्ट टू टेस्ट, यानी कि सिंपल सिमोन थी वो क्या टेस्ट करना चाहती थी। द आंसर इज सिंपल सिमोन वांट टू टेस्ट पाइमेंस वार, यानी कि सिमोन जो थी समोसे वाले के समोसे टेस्ट करना चाहती थी उसके दिए हुए बर्तनों में। योर क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सी। राइट एन एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग ए फार्म। आप कभी भी किसी भी मेले में गए हो तो आपने वहाँ पे क्या क्या देखा है, आपने क्या क्या देखा, आपने वहाँ पे क्या क्या किया, ये सभी आपको जो है डिस्क्राइब करना है। तो वैसे तो हम सभी अलग अलग जगह पे जाते हैं, लेकिन हम इसमें वो चीज़ें देखेंगे कि जो ज़्यादातर हमें देखने को मिलेंगी। राइट एन एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग ए फेयर। आपको अपने अनुभव के बारे में लिखना है जो आपने मेले में किया है। तो फर्स्ट, आप सभी मेले में कभी ना कभी तो गए हुए होंगे, तो इसलिए एवरी ईयर हम सेंटेंस में लिखेंगे यहाँ पे एवरी ईयर ए फेयर इज हेल्ड नियर आवर विलेज, यानी कि हर साल एक मेला भरता है हमारे गांव के पास में। एंड अब नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज एज दिस फेयर इज
हेल्ड ऑन एज दिस फेयर इज एज दिस फेयर अट्रैक्ट्स द पीपल फ्रॉम ऑल द नेबरिंग विलेजर्स। यानी कि जब कहीं पे भी आसपास में फेयर लगता है तो आसपास के जितने भी गांव होते हैं, गांव या शहर, उस मेले से अट्रैक्टिव होते हैं। अट्रैक्टिव मतलब कि उसे देखने के लिए लोग आते हैं। अब यंग एंड ओल्ड मैन वुमेन चिल्ड्रन पेरेंट्स एक्सेट्रा कलरफुल क्लोथ्स कम टू द सी फेयर। यानी के जवान बूढ़े व्यक्ति, औरत, बच्चे, माता पिता, जो सभी हैं मेले को देखने के लिए आते हैं। कलरफुल ड्रेस पहन के, रंग बिरंगे कपड़े पहन के जो हैं मेले में आते हैं। बच्चों को मेला देखना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को मेला बहुत पसंद होता है। तो हम जो हैं मेले में इन सभी सीन्स को देखते हैं। नेक्स्ट, I love to see the fair। यानी कि मुझे मेला देखना अच्छा लगता है। आप सभी ने मेले में और भी जो जो दृश्य, एक्टिविटी या और कोई डिफरेंट चीज़ देखी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारा था एक्सपीरियंस विजिटिंग ए फार। नाउ आवर लेसन इज कम्प्लीट एंड कम्प्लीट। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द माई चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। थैंक यू।